बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y20 फोन में एड iOS 14 Pro Max का। अगर आप भी नोच लगा के यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये मैं आपको सेटिंग करके बताऊंगा, ठीक है। डायनेमिक आइलैंड iOS 14 Pro Max, अगर इसका नोच आपको लगा के यूज करना है या फिर अगर आपको अपने फोन में iPhone 14 Pro Max का कंट्रोल सेंटर ऐड करना है तो कैसे लगा के आप कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको बिल्कुल सेटिंग करके बताऊंगा, आप अपने फोन में बिल्कुल लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपको साइड में हमारा फोन मिलेगा, ठीक है। आपको देखिए आइलैंड iOS 14 Pro Max का अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे, आपको पहले प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना, ठीक है। डायनेमिक आइलैंड iOS 16 नोच आप यहां पे सर्च कर लेना, ठीक है। बट ये आपको 14 Pro Max में भी देखने को मिलेगा और बट यहां पे आपको 16 सर्च कर लेना, ठीक है। हम देखिए इस एप्लीकेशन से आपको बताएंगे अपने फोन में अगर आइलैंड iOS 16 Pro Max का जो कि आपको लगाना है बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। हम देखिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कैसे क्या परमिशन देना है आपको परमिशन देके बिल्कुल बताते हैं। आपको तीन ऑप्शन यहां पर खुल के आएगा, नोटिफिकेशन का, इनेबल नोटिफिकेशन और आपको इनेबल ब्लूटूथ परमिशन का ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट वाले पे गाइस क्लिक कर देना है, अग्री पर गाइस क्लिक करना, क्लिक करेंगे आपको पे डायनेमिक आइलैंड पे गाइस क्लिक करके आपको दोनों का परमिशन देके यहां पे अलाउ कर देना है, ठीक है। बैक आ जाएंगे, फिर से आपको बैक आ जा रहा है, आपको इनेबल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर गाइस क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे एग्री पर गाइस क्लिक कर देना है, एग्री पर क्लिक करेंगे डायनेमिक आइलैंड का ऑप्शन है यहां पर गाइस क्लिक करके अलाउ नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है इसको गाइस क्लिक करके अलाउ कर देना है, अलाउ कर देंगे फिर से आपको यहां पे बैक आ जाना है, फिर से बैक आना, ठीक है। आपको मिलेगा इनेबल ब्लूटूथ परमिशन, यहां पर लास्ट वाले पे गाइस क्लिक करना है, अलाउ पर गाइस क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको लास्ट में आएगा यहां पे नेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में गाइस क्लिक कर देना है, यहां पर एक्चुअली जब गाइस आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे पहले सेकंड वाला ऑप्शन यहां पे इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल स्मार्ट मेनू। मेनू देखिए यहां पे हमारे फोन में इनेबल हो चुका, आप देखिए कैसे अपने फोन में कंट्रोल सेंटर भी लगा सकते हैं और नोच भी लगा सकते हैं, यहां पे देखिए स्टेप बिल्कुल आ चुका है, ठीक है। आपको यहां पे जो के देखने को मिल भी रहा होगा, अब देखिए यहां पे आपको एक आइकन मिलेगा, ठीक है, इस पर गाइस क्लिक कर देना है, कंट्रोल सेंटर एप्लीकेशन और कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है, जो आपको ऐड करना कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर प्लस वाले आइकन पे गाइस क्लिक कर लेना है, जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को ऐड करके यानी कि जो ऑप्शन आपको यहाँ पे ऐड करके यूज करना है आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। ओके करेंगे फिर से आपको यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगा, ऐड देखने को मिलेगा, बट आपको ऐड को 5 सेकंड वॉच करना, उसके बाद यहां से स्किप कर देना है, स्किप कर देंगे और यहां पर देखिए आपको फिर से उसी पर गाइस क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे आपको मिलेगा एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पर गाइस क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे आपको जो एप्लीकेशन का अगर चाहते हैं नोटिफिकेशन शो हो आपके कंट्रोल सेंटर में वहां पे iOS 14 Pro Max में तो यहां पर उस एप्लीकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। हम देखिए यहां पर 5-6 एप्लीकेशन ले लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ओके पर गाइस क्लिक करेंगे फिर से आपको यहां पे ऐड देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐड देखने को मिलेगा, वहां पे ऐड को फिर से आपको यहां पे स्किप कर देना है, स्किप कर देंगे। अब देखिए हम यहां पर गाइस क्लिक करेंगे हमारे फोन में देखिए iOS 14 Pro Max का कंट्रोल सेंटर भी ऐड हो गया है और यहां पर देखिए iOS 14 Pro Max का हमारे फोन में नोच भी ऐड हो गया, ठीक है, यानी कि आइलैंड iOS 14 Pro Max। और देखिए इसकी मैं आपको और भी सेटिंग बता रहा हूं आपको, यहां पर देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा टाइटल टेक्स्ट कलर, यहां पर गाइस क्लिक करके अगर आप अपने फोन में टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहेंगे तो बिल्कुल गाइस कर सकते हैं, ग्रीन रेड जो भी आपको यूज करना है यहां पर गाइस करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम देखिए यहां पे रेटिंग लेते हैं ग्रीन कलर, यानी कि जो यहां कंट्रोल सेंटर में जो चीज यहां पे शो होगा वो गाइस बिल्कुल यहां पे ग्रीन होगा, ठीक है। और भी देखिए ऑप्शन आपको मिलेगा कैमरा, यहां पे इसको लेफ्ट राइट आपको बीच में जो भी करना है लेफ्ट और सेंटर और राइट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सेंटर में करेंगे बीच में शो होगा, अगर आप लेफ्ट साइड में यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में शो होगा या फिर राइट में करते हैं तो राइट में बिल्कुल शो होगा, हम सेंटर में कर देंगे, ठीक है, जो कि कैमरे के सेंटर में। और उसके बाद यहाँ पे आपको कैमरे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जैसे हमें यूज करना है इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टॉप मैजिक मिल जाएगा और कैमरा मिल जाएगा लेफ्ट राइट, व्यू हाईलाइटिंग मिल जाएगा, ठीक है, इनेबल ग्लो मिल जाएगा, इसको भी इनेबल कर लेना। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिलेगा शो म्यूजिक एनिमेशन, अगर आपको एनिमेशन भी शो करना है म्यूजिक का इसको इनेबल कर लेना। शो ऑन लॉक स्क्रीन, शो इन फुल स्क्रीन, इसको भी इनेबल कर लेना, ठीक है, जो यहाँ पे इनेबल नहीं है। स्टाइल जो कि शो आईफोन स्टाइल कॉल हैंडसअप, ठीक है, इसको भी इनेबल कर लेना। ऑटो हाइड डिफॉल्ट कॉल हैंडसअप, ठीक है, तो इसको भी इनेबल कर लेना। अब देखिए आपको जो यहाँ पे अगर और भी चीज अदर यूज करना आप यहाँ पे यूज कर लेना, बट हमने जो यहाँ पे मेन था उसको आपको बता दिए। अब यहां से अगर हम बैक आते हैं, बैक आ चुके हैं, अब देखिए हम यहां पर गाइस क्लिक करेंगे iOS 14 Pro Max का हमारे फोन में कंट्रोल सेंटर भी ऐड है जो कि आइलैंड iOS 14 Pro Max का हमारे फोन में नोच भी बिल्कुल ऐड है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने Vivo Y20 फोन में iOS 14 Pro Max का कंट्रोल सेंटर या फिर आइलैंड 14 Pro Max का आप नोच लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। यहां पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको शो होगा कॉन्टेक्ट
कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर गाइस क्लिक करके अगर कॉन्टैक्ट भी आपको ऐड करना है यहाँ पे कुछ तो ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले ऐड आ रहा है, ऐड को यहाँ से स्किप करते हैं, ठीक है। ऐड को हमने स्किप किया, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट भी अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे सेटिंग को इनेबल करके कॉन्टैक्ट भी वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आप ऐसे बिल्कुल सेटिंग करके अपने Vivo Y20 फोन में iOS 14 Pro Max का कंट्रोल सेंटर, iOS 14 Pro Max का नोच बिल्कुल लगा के यूज कर सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।